जब मन में विवाह करने का निश्चय किया, देवताओं के साथ इस प्रस्ताव को हिमवान ने और बड़ी संकोच के साथ इस विचार को रखे। कि महाराज हम अपने वंश वृद्धि के लिए, पितरों की संतुष्टि के लिए, धर्म पालन के लिए विवाह करना चाहते, ये सुन करके देवता लोग बड़ी प्रसन्न और वो अपने पितरों के पास गए और प्रणाम कर एक किनारे खड़े हो गए। पितरों ने देवताओं से आने का कारण पूछा। क्योंकि पितरों की पुत्री कौन है? मैना। जब पितरों ने कारण पूछा तो देवताओं ने कहा, महाराज आपकी सबसे बड़ी पुत्री जो मैना है, जो मंगल स्वरूपिणी है, आप मैना का विवाह गिरिराज हिमवान के साथ कर दें। इस विवाह से सभी को लाभ होगा और सबको मंगल होगा। जब उन्होंने ये बात कही तो पितर बेचारे तैयार हो गए कि ठीक है, आपकी बात सिरोधार्य है और मैं आपकी बात को मानता हूं। और उन्होंने उस प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया। क्योंकि भगवान के सच्चे भक्तों को पग पग पे सहारा मिलता है। भगवान के सच्चे भगवान के सच्चे भक्तों को पग पग पे सहारा मिलता है। भगवान के सच्चे भक्तों को
यदि शिव का नाम का संबल हो, यदि शिव का नाम का संबल हो, तो सहज किनारा मिला।
पितरों से कहा आप अपनी पुत्री का हिमवान के साथ विवाह कर दे। पितरों ने स्वीकार किए। और अपनी पुत्री हिम पितरों ने अपनी पुत्री मैना का विवाह हिमवान के साथ कर दिए। लेकिन मेरे भाई, मैना के पूर्व जन्म की कथा आती है। इन ये तीन बहनें थी, पूर्व जन्म में ये तीन बहने, इनको लोक माताएं के नाम से भी जानी जाती है। तीनों का नाम था, सबसे बड़ी का नाम है मैना, बीच वाले के नाम है धन्या और तीसरी है कला। ये रोज तीनों बहनें बैकुंठ में भगवान नारायण के दर्शन करने के लिए जाता। अब वही शनकादि ऋषि भी भगवान के दर्शन करने के लिए आते थे। ये तीनों बहनें दर्शन के लिए पट खुला नहीं था, तीनों बहनें बैठी थी। शनकादि ऋषि आए, लेकिन इन तीनों बहनों ने उठ करके प्रणाम नहीं। ऋषि को क्रोध आ गया कि देखो ये तीनों कितने घमंड में चूर है कि मुझे देख करके भी इसने प्रणाम नहीं किया। ऋषि ने श्राप दे शनकादि ऋषि को, जाओ तुम तीनों मृत्यु लोक में चले जाओ। और दूसरी सुनैना, जो सीता जी की माता बनी, धन्या जो है सुनैना के रूप में, जो सीता जी की माता बनी और भगवती सीता माता जगत जननी उनके पुत्री के रूप में आई और उनका कल्याण किया। और तीसरी जो कलावती थी,
वो सूत कीर्ति के रूप में आया राधा रानी की मां बनकर के। तो ये तीनों पूर्व जन्म के ही, एक बात आपको बता दूं, ये पूर्व जन्म का संस्कार है तीनों को। मैना को भी बार बार कहता हूं, संत क्रोध भी करते हैं ना, तो उस क्रोध में भी जीव के प्रति कृपाई होती है। शरद कुमारों ने क्रोध करके तीनों को श्राप तो दे दिए, लेकिन श्राप के साथ साथ कितनी बड़ी अनुग्रह कि मैना को भगवती पराम्बा आदिशक्ति जगत जननी पार्वती की मां बनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ, धन्या को जगत जननी महामाया भगवती जानकी के मां बनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ, अकलावती को भगवती पराम्बा राधा रानी के मां बनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। संत कृपा मेरे भाई, ये संत कृपा, संत की कृपा से तीनों को ऐसी अनुग्रह ऐसी कृपा प्राप्त हुई। तो मैना के साथ पितरों ने हिमवान का विवाह कर दिया। भगवती तीनों मैना जी हिमवान से विवाह के पश्चात विदाई होकर के हिमगिरी के महल पहुंची और वरेही आनंद पूर्वक समय व्यतीत होने लगा। आज की कथा का यहीं पे विश्राम देते हुए कल पुनः हम लोग 3 बजे कथा में प्रवेश करेंगे। आओ शिव नाम लेते हुए आज की कथा का विश्राम दें। मैं तो जपूं सदा शिव नाम, भोले कृपा कर। तो जब सदा शिव नाम, भोले कृपा कर। मैं तो रटो सदा शिव नाम, बाबा कृपा कर। मैं तो जब सदा
भगवान की जय हो, मन बिहारी लाल की जय हो, नारायण भगवान की जय हो, गुरुदेव भगवान की जय, पुराण पुरुषोत्तम भगवान की जय, आज के आनंद की जय, जय जय श्री राधे। ओम नमः पार्वती हर हर महादेव। ശാന്തി ദേവ
ओम एक दंदा ये विद्महे भक्तर दुन्ना यदि मही तन्नो दंते प्रचोदया आद्या यनी च विद्महे कन्या कुमारी च धीमहि तन्नो गौरी प्रचोदया Yeah.
चरण कृतं वा कायं कर्मजं वा श्रवणनयनजं वा मानसं वा विहित विहितं वा सर्वमेतत् क्षमस्व जय 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 करुणावदे श्री महादेव शंभो कर्पूर गौरं करुणावतारं संसार सारं भुजगेन्द्रः सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानि सहितं नमः भवं भवानि सहितं ठाकुर हमरे रमण बिहारी हम है रमण बिहारी Amen.
पद्माशीनं समन्तास्तुतममगरे व्याघ्रकृतिं वशानं विश्वाद्यं विश्ववन्द्यं निखिलभयहरं पञ्चवक्त्रं त्रिनेत्रम् आनंद कंद सच्चिदानंद घन स्वरूप भगवान श्री रमण बिहारी आशुतोष नील लोहित भगवान विश्वनाथ परमादरणीय परम पूज्य पाद प्रात स्मरण श्री विभूषित सदगुरुदेव भगवान समुपस्थित संत वृंद विप्र वृंद प्रभु प्रेमियों भक्ति स्वरूपा माताओं और चैनल पे घर बैठ करके चैनल के माध्यम से शिव महापुराण की कथा श्रवण करने वाले समस्त भक्तों के चरणों में नमन करते हुए सबको जय श्री कृष्ण।
ब्रह्मा जी कहते हैं नारद, हिमांचल के विवाह होने के पश्चात हिमांचल के मन में एक विचार आया, क्योंकि बार बार शिव पुराण में कहा गया है अगर सदगृहस्थ आश्रम में प्रवेश करना है तो तप उत्तम संतान की प्राप्ति चाहिए। तो तप तप करने से हमें शक्ति की प्राप्ति होती है और हमारा मनोकामना पूर्ण होता है। हिमांचल और मैना दोनों अपनी कामना की पूर्ति के लिए तपस्या करने लगे, कठोर तप किया। एक दो दिन नहीं, 12 वर्ष तक भगवती परम्बा आदि शक्ति योग माया की आराधना में लगे। एक नियम बन गया, प्रातः काल उठना, अपनी नित्य क्रिया से निवृत्त हो करके भगवती परम्बा की षोडशोपचार पूजन के पश्चात उनके नाम का जप, साधना करते करते हिमांचल और मैना के 12 वर्ष हम लोग तो 2-4 दिन में घबरा जाते हैं, कर देखो इतने दिन से कर रहे हैं और कुछ फल प्राप्त नहीं होता। कुछ मिला नहीं, लेकिन हिमांचल और मैना ने 12 वर्ष तक कठोर तप भगवती की आराधना करते हैं। बारह वर्ष उपरांत पराम्बा आदि शक्ति महामाया भगवती को करुणा